भी कहता है मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गाजीपुर और कालूघाट में दो अंतर मॉडल टर्मिनल बनाए जाएंगे और फराक्का लॉक गेट को सुधार के लिए भी 360 करोड़ रुपए का काम हमने दे दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ हम 2250 करोड़ रुपए खर्चा करके 40 छोटे टर्मिनल गंगा के किनारे बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस बात का बार बार जिक्र करते हैं वो टूरिज्म इसके कारण बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ अभी दो एक 5 स्टार और 7 स्टार क्रूज गंगा में है, पर इसके बाद क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा और जिसके बड़े प्रमाण पर झारखंड बिहार और बंगाल के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे लिए गंगा हमारे श्रद्धा का भी विषय है और हमारी इतिहास संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी है। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले हमारी अपेक्षा ये है कि गंगा ये अविरल और निर्मल बने और ये जो उद्दिष्ट है ये पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने विशेष रूप से ये विचार रखा है कि पहली प्रायोरिटी निर्मलता को हो और सेकंड प्रायोरिटी अविरलता को हो।